पिछले दो वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस को दो फेज के लिए मैंने दो वीडियो के अंदर सेपरेट किया था। ग्लाइकोलाइसिस का जो सबसे पहला फेज था उसको वो कहा जाता है प्रिपरेटरी फेज, और ग्लाइकोलाइसिस का जो दूसरा फेज था जिसको कहा गया था पे ऑफ फेज या ऑक्सीडेटिव फेज। ग्लाइकोलाइसिस के प्रिपरेटरी फेज में हुआ क्या था कि हमने इनपुट किया था ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का था, और प्रिपरेटरी फेज खत्म होने के बाद हमको जो आउटपुट मिला सब प्रिपरेटरी फेज की वो थी 2 मॉलिक्यूल PgAl का, और एक PgAl मॉलिक्यूल जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड। जब पे ऑफ फेज में हम लोग गए हैं तो जिसको ऑक्सीडेटिव फेज भी कहते हैं, इसके अंदर जो इनपुट था वो था 2 मॉलिक्यूल PgAl का जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, और इसका जो आउटपुट था वो है 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हुआ क्या था कि प्रिपरेटरी फेज के अंदर हमने 2 एटीपी इस्तेमाल किए थे, 2 एटीपी कंज्यूम किए थे, पर पे ऑफ फेज या ऑक्सीडेटिव फेज के दौरान हमने टोटल इन ऑल 2 या फिर मैं बोलूंगा कि 4 एटीपी बनाए थे, और 4 एटीपी के साथ साथ हमने याद रहेगा आपको 2 NADPH2 भी बनाया था। तो 4 एटीपी और 2 NADPH2 ये हमने बनाया था। ग्लाइकोलाइसिस असल में पूरे के पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन का सबसे पहला फेज होता है। इस फेज के अंदर हम ग्लूकोज को तोड़ के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन है उसको तोड़ के 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। एक पाइरूवेट जो है वो 3 कार्बन का होता है, एक ग्लूकोज 6 कार्बन का जिसको तोड़ दिया गया 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट में जो कि 3 कार्बन का। ग्लाइकोलाइसिस असल में इसी पूरे के पूरे प्रोसेस पे उसका नाम रखा गया। और जैसे मैंने बात किया था कि ये दो फेज में डिवाइडेड है, प्रिपरेटरी और पे ऑफ फेज। अब इनके नाम पर जाते हैं कि इनको ये नाम क्यों दिया गया। प्रिपरेटरी फेज ये नाम उसी इसी वजह से उसको दिया गया बिकॉज जब कभी भी जैसे मैंने बोला था कि ये चैप्टर जैसे हमारे साथ चलते जा रहे हैं, मैं एक एनालॉजी आप सबके सामने लेके जा रहा हूँ कि हम जॉब पे जा रहे हैं और हम लोग जॉब पे जा रहे हैं और हम लोग को कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, तो वैसे ही हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं और हमको रेस्पिरेशन करने के बाद हमको एटीपी मिल रहा है यानी एनर्जी मिल रहा है। इस फेज का नाम है प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज मतलब जब हम जॉब पे जाते हैं तो जॉब पे जाने के लिए ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, या फिर हम ऐसा मैं बोलूं कि पैसा कमाने जाने के लिए भी पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो प्रिपरेटरी फेज के दौरान हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग असल में खर्चा करते हैं। यहाँ पे हमने 2 एटीपी बनाए नहीं है बल्कि 2 एटीपी कंज्यूम किए थे, मतलब रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एटीपी बनाया जा रहा है उसके लिए भी हमें एटीपी खर्चा करना पड़ रहा है, 2 एटीपी हमने खर्चा किए, और इसलिए इस फेज का नाम है प्रिपरेटरी फेज। दूसरा जो फेज है जिसका नाम है पे ऑफ फेज या ऑक्सीडेटिव फेज, इस फेज के दौरान पे ऑफ वर्ड पे ऑफ यानी रिटन या फिर दूसरा एक वर्ड है यानी ऑक्सीडेटिव, बिकॉज आपको याद होगा कि बहुत अच्छा रिएक्शन और बहुत सबसे पहला रिएक्शन हुआ था पे ऑफ फेज के अंदर जिसका नाम है ऑक्सीडेशन, यानी उसी से यहाँ पे नाम आया ऑक्सीडेटिव फेज। पे ऑफ फेज में हमने जो काम किया, हमने जो मेहनत किया उसके बदले में हमें रिवॉर्ड मिला यानी पे ऑफ मिला, और इसी वजह से इस पूरे के पूरे फेज का नाम है पे ऑफ फेज या ऑक्सीडेटिव फेज। इसके दौरान हमें 4 एडीपी मिला और 2 एनएडीपीएच2 मिला। अब आप सब लोग ये कंफ्यूज रहेंगे कि जब तक अब तक के जितने भी वीडियोस में वीडियो लेक्चर्स हुए उसके अंदर मैंने बात किया था एटीपी के बारे में, और मैंने बोला था एटीपी हमारी कमाई है, तो मैं इस एनएडीपीएच2 पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मतलब इसमें मैं इसको क्यों इस वक्त लिख दिया या फिर इसके बारे में पहले मैंने कभी क्यों बताया नहीं बट अभी मैं लिख रहा हूं। इसका रीजन है कि जो NADPH2 है ये भी हमारे कमाई में शामिल है जिस तरीके से ATP है।
मैं नॉर्मली NADPH2 को गोल्ड बोलता हूँ, सोना बोलता हूँ। इसका रीजन है कि एक NADPH2 को मैं 3 ATP में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये मेरे लिए सोना है, गोल्ड है, तो इस एक गोल्ड को मैं $3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस एक NADPH2 में को मैं 3 ATP में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और इसीलिए ये जो 2 NADPH2 बने ये भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 NADPH2 3 ATP बनाएगा तो 2 NADPH2 6 ATP बनाएगा, तो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू 6 ATP। ठीक है, अब कुछ और बातें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, जो अब तक मैंने बोला कि ये एरोबिक का सबसे पहला रिएक्शन है। ग्लाइकोलाइसिस जो है, अगर हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो बाद में पढ़ने वाले हैं उसका भी ये सबसे पहला रिएक्शन होता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस कम्स द फर्स्ट रिएक्शन इन एनी प्रोसेस, मे बी एरोबिक और मे बी एनएरोबिक। एक और एक बात और आखिरी बात, ग्लाइकोलाइसिस जो है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस हैपेंस इन द सेल्स साइटोप्लाज्म। तो ये सारी बातें थी ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड।